तो मेरे को जो सबसे पहला काम करना है, मेरे को आपस में सबका रिकंसिलेशन करना है एंड सी कि मेरे आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट टैक्स, इनवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स सब जगह पे कैसे कैसे आए हुए हैं। जब ये सारा डाटा रेडी हो जाता है देन आई हैव टू कम टू द GSTR 9। अब जब मैं GSTR 9 में जाऊंगा तो इफेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर 5 मेरी टेबल्स हैं, 5 क्लॉजेज हैं, उसके अंदर 19 टेबल्स हैं मेरी। टेबल्स के अंदर देखें तो अल्टीमेटली क्या है, आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट टैक्स, इनवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स, नेट टैक्स और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन। तो मेजरली जो मेरा इम्पैक्ट है, मेरे को ये देखना है कि मेरे को GSTR 9 के अंदर आउटवर्ड सप्लाई कैसे शो करनी है, आउटपुट इनवर्ड सप्लाई कैसे शो करनी है और उसका इम्पैक्ट कैसे लेना है। इस चीज के लिए व्हाट फर्स्ट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब मैं GSTR 9 को 17-18 के लिए कंपाइल कर रहा हूँ तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेरी इन्फॉर्मेशन पैन लेवल पर है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा चैलेंज है कि मैं 17-18 के रिटर्न्स के लिए GSTR 1 और 3 भी सिर्फ 17-18 के नहीं देख रहा हूँ, 18-19 के भी देख रहा हूँ, यानी कि जुलाई से लेके मार्च तक के नो रिटर्न्स प्लस 12 रिटर्न्स फ्रॉम April 18 to March 19। तो इफेक्टिवली मेरे 21 रिटर्न हैं जो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। और मेरे को रिकंसिलेशन इस एंगल से करना है क्योंकि मेरे को अगले साल का जब मैं 18-19 का रिटर्न भरूंगा तो मेरी फिगर्स डुप्लीकेट ना हो। देखिए जहां पे मैंने 17-18 का ट्रांजेक्शन 17-18 में ही शो कर दिया है वहां तो कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन जहां पर मैंने 17-18 के किसी ट्रांजेक्शन को 18-19 में डिक्लेयर किया है तो मेरे को वो बायफिकेशन 18-19 का जब मैं GST 9 भरूंगा तब भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 3B का ITC लेने के चक्कर में मैं एक ITC को 17-18 में भी ले लूं, 18-19 में भी ले लूं, तो वो सीधा फिर फ्रॉड का केस बनेगा। तो व्हाट, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैथमेटिकल रिकंसिलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर उसके बाद में वी विल कम टू द कॉम्प्लायंस की कॉम्प्लायंस कैसे हुई है। कमिंग टू GSTR 9, GSTR 9 के अंदर सबसे पहली टेबल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लीगल नेम क्या है, GST नंबर क्या है। उसके बाद में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है। आउटवर्ड सप्लाई के लिए मैं बोलूं तो 4 टेबल्स यूज होंगी GSTR 9 के अंदर, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 10 एंड टेबल 11। टेबल 4 एंड 5 बेसिकली जो मैंने 17-18 का ट्रांजेक्शन 17-18 में ही, अब हम उसको बाइफिकेट करते हैं ट्रांजेक्शन को कैसे कैसे हो सकता है। मैंने कोई 17-18 में लेट से 100 करोड़ रुपए की सप्लाई करी, सबसे आइडियल पोजीशन ये है कि मैंने 100 करोड़ रुपए की सप्लाई 17-18 के रिटर्न्स में दिखा दी, उसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं आएगा, टेबल 4 के अंदर मैं सारा दिखा दूंगा। दूसरा ट्रांजेक्शन हो सकता है कि जब मेरी 100 करोड़ रुपए की सप्लाई है उसमें से मैंने कुछ पोर्शन लेट से 70 करोड़ रुपए 17-18 में शो किया, 20 करोड़ रुपए मैंने अप्रैल से सितंबर तक डिक्लेयर किया, 70-20-90, 5 करोड़ रुपए मैंने अक्टूबर से लेके मार्च 19 तक के रिटर्न में डिक्लेयर किया, 5 करोड़ रुपए कहीं शो ही नहीं करे। ये पोजीशंस बहुत है, कहीं कहीं पे हो सकता है हमने आज की डेट में फाइंड आउट करी या गलती से छूट गए, तो मैं इन सब ट्रांजेक्शंस को कैसे टेकअप करूंगा दैट वी हैव टू सी। सबसे पहले हम आते हैं टेबल 4 पर। टेबल 4 बेसिकली मेरी आउटवर्ड सप्लाई जहां मैंने आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी आती है, इनवर्ड सप्लाई सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज एंड एडवांसेस सब्जेक्ट टू GST, ये 3 चीजें मेरे टेबल 4 में आएंगी। 3 चीजें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आउटवर्ड सप्लाई जहां पे मेरी आउटपुट टैक्स हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपोर्ट किया, मैं जो एक्सपोर्ट है अगेंस्ट LUT भी कर सकता हूं और जो एक्सपोर्ट है पेमेंट ऑफ IGST के अगेंस्ट भी कर सकता हूं। अगर मैं एक्सपोर्ट अगेंस्ट पेमेंट ऑफ IGST करूंगा तो टेबल 4 में जाएगा, अगर मैं एक्सपोर्ट अगेंस्ट LUT करूंगा तो टेबल 5 में जाएगा। ऐसे ही इनवर्ड सप्लाई, मान लीजिए मैं कोई ऐसी सप्लाई करता हूं आउटवर्ड सप्लाई जो कि सामने वाले को जिसके ऊपर टैक्स पे करना है, मान लीजिए कि मैं काजू की सप्लाई करता हूं, काजू रिवर्स चार्ज में आता है, क्या मैं उसको टेबल 4 में दिखाऊंगा? गेटिंग माय क्वेश्चन? मान लीजिए कि मैं GTA का सप्लायर हूं, मैं GTA हूं जहां पर सामने वाला टैक्स पे करता है, तो मैं उसको टेबल 4 में दिखाऊंगा कि टेबल 5 में दिखाऊंगा? मैं उसको टेबल 5 में दिखाऊंगा। मेरी इनवर्ड सप्लाई जो मैं रिसीव कर रहा हूं जिसके ऊपर मेरे को रिवर्स चार्ज में पे करना है वो टेबल 4 में जाएगी, और ऐसी सप्लाई जो मैं रिसीव कर रहा हूं जिसके ऊपर टैक्सेस पे नहीं होती वो टेबल 5 में जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो टेबल 4 में वो सप्लाईज जाएंगी जहां पर टैक्स की लायबिलिटी आती है। टैक्स की लायबिलिटी मेरी आउटवर्ड सप्लाई से आएगी जो कि मेरी टैक्सेबल सप्लाई है। टैक्स की लायबिलिटी अगर मेरी एडवांसेज है नवंबर तक या सर्विसेज है तो उसके ऊपर हमेशा से, या टैक्स की लायबिलिटी आएगी जहां पर मेरी इनवर्ड सप्लाई है यानी कि मैंने सप्लाई ली है और जो रिवर्स चार्ज में जिसके ऊपर टैक्सेस पे करने हैं,
ये तीन चीजें मेरे टेबल फोर में आएंगी, नंबर वन। नंबर टू, टेबल फोर में वही इंफॉर्मेशन आएगी जो मैंने 17-18 में डिक्लेयर करा है। कैटिंग पॉइंट, अगर मैंने कोई सप्लाई 17-18 में करी और वो 17-18 के रिटर्न्स में ही शो करी है तो टेबल फोर में जाएगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, जो आउटवर्ल्ड सप्लाई है वो मैंने जीएसटीआर 1 में भी शो करी है, आउटवर्ल्ड सप्लाई मैंने जीएसटीआर 3 में भी शो करी है, आउटवर्ल्ड सप्लाई मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी दिखाई है, तो मैं जीएसटीआर 9 के अंदर डाटा का सोर्स लूंगा कहां से? जीएसटीआर 1 से लूंगा, जीएसटीआर 3 से लूंगा, या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट से लूंगा? पहला क्या लगता है हमें, जीएसटीआर 1 से लेना होगा? कितने लोग सोचते हैं जीएसटीआर 1 से लेना हमें? सर यस ना नो, कुछ तो करना पड़ेगा। नो सर, नो नो। जीएसटीआर 3 से? नो। एवरीवन ऑन द सेम पेज? सर किसी का कोई डिफरेंट व्यू तो नहीं है इसमें? मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने जीएसटीआर 1 में लेट से 50 करोड़ की आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, मैंने जीएसटीआर 3 में 17-18 का जो भरा उसके अंदर लेट से 40 करोड़ रुपए की आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, क्योंकि मैंने टैक्स कहां से पे किया है? जीएसटीआर 3 से पे किया है, तो मैं आउटवर्ड सप्लाई 40 करोड़ दिखाऊंगा कि 50 करोड़ दिखाऊंगा इन जीएसटीआर 9 टेबल 4? 40 करोड़ रुपए। इसमें किसी का कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू? मैं फिर से अपना एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, जीएसटीआर 3 में मैंने 40 करोड़ रुपए की आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, अभी मान के चलते हैं सारी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है, जीएसटीआर 1 के अंदर मैंने 50 करोड़ रुपए की आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, मैं जीएसटीआर 9 के अंदर टेबल 4 को फिल कर रहा हूँ, मैं 40 करोड़ रुपए दिखाऊंगा कि 50 करोड़ रुपए दिखाऊंगा? 40 करोड़। एवरीवन द सेम पेज? लेकिन एज एन ऑडिटर क्या मैं 40 करोड़ दिखा के शांत हो जाऊंगा? नहीं, मेरे को क्योंकि रिकंसिलिएशन बनाने पड़ेंगे कि ये 10 करोड़ रुपए कहां गए, क्योंकि आज हम नहीं बनाएंगे तो कल की डिपेंड नोटिस आएगा। तो अब जो 10 करोड़ रुपए बचे, हो सकता है कि मैंने अप्रैल से सितंबर के रिटर्न में फर्दर दिखा दी हूं 3B में, हो सकता है। अगर मैंने अप्रैल से सितंबर तक में दिखा दिया है तो मैं टेबल नंबर 10 में दिखा दूंगा। मान लीजिए कि वो मैंने सितंबर के बाद अक्टूबर से मार्च में दिखा दिया तो भी मैं टेबल नंबर 10 में दिखा दूंगा, क्योंकि अगर आप प्रिंटेड फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें जो टेबल नंबर 10 की हेडिंग है उसमें ट्रांजेक्शन लिखा है फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, ऑनलाइन फॉर्म जाएंगे तो उसमें लिखा है डिक्लेयर्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यानी कि अगर आपने 50 करोड़ रुपए की टोटल सप्लाई थी उसमें से 40 करोड़ रुपए आपने 17-18 में शो करा है तो आप जीएसटीआर 9 की टेबल 4 में दिखा देंगे, उसमें से जो 10 करोड़ रुपए अगर आपने अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 तक के बीच में डिक्लेयर किया है तो उसको टेबल नंबर 10 में दिखा देंगे। तो फंडामेंटली एक चीज क्लियर हो गई कि जहां पर मेरी आउटवर्ल्ड टैक्स की लायबिलिटी आती है किसी ट्रांजेक्शन से, चाहे वो ट्रांजेक्शन आउटवर्ल्ड सप्लाई का हो, ट्रांजेक्शन इनवर्ल्ड सप्लाई का हो सब्जेक्ट टू आरसीएम, या एडवांस हो, या तो मैं टेबल 4 में दिखाऊंगा या टेबल 10 में दिखाऊंगा, इसके अलावा नहीं आएगी। टेबल 11 में होगी अगर मेरी सप्लाई रिड्यूस हो रही है, क्रेडिट नोट वगैरह है तो मैं टेबल 11 में। तो बेसिकली मेरी प्रीमियम फेसी टेबल हो गई आउटवर्ड सप्लाई एंड आउटपुट टैक्स के लिए टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 10। मेरे को डिसीजन ये लेना है कि मैं टेबल 4 में दिखाऊं या टेबल 10 में दिखाऊं। टेबल 4 में मैं दिखाऊंगा अगर मैंने 17-18 की सप्लाई 17-18 में ही डिक्लेयर कर दी है, और 17-18 की सप्लाई मैंने अगर 18-19 में डिक्लेयर करी है तो मैं टेबल 10 या टेबल 11 में दिखाऊंगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन? फंडामेंटली एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि मेरे को सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना है, वो सारी सप्लाई जहां से मेरी टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती है। टैक्स की लायबिलिटी जब मैं अपने फाइनेंशियल से रिकंसिलिएशन करूंगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड हो गया, जिसमें मेरी अदर इनकम सारी इनकम आ जाएगी, ऑपरेशनल अदर इनकम, मेरे एक्सपेंस साइड आ जाएंगे जहां पे मेरी रिवर्स चार्ज में मेरी लायबिलिटी आती है, बैलेंस शीट में एसेट में से एडवांसेस आ जाएंगे जहां पे मेरी टैक्स लायबिलिटी आती है। आई एम टॉकिंग फॉर द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन तीनों की सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। लेकिन चाहे मैं जीएसटीआर 9 अपने क्लाइंट का कंपाइल कर रहा हूँ या 9C देख रहा हूँ, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जीएसटीएन के पास डाटा पैन लेवल पर होगा, हम जब जीएसटीएन लेवल पर डील कर रहे हैं तो आई हैव टू मेक एंश्योर कि कम से कम टोटलिटी ऑफ डाटा मैं उसको रिव्यू करते जाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं जब अपने ब्रांच का रिकंसिल बना रहा हूँ जीएसटीआर 9 उसमें फिगर कुछ और भरूँ, जब कंपाइल कर दूँ फिगर कुछ और आ जाए, दैट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड इन टोटलिटी। तो आई मे नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टोटल टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, मैंने जो दिल्ली ब्रांच में दिखाया वो 40 करोड़ रुपए दिखाया,
बॉम्बे ने 50 करोड़ दिखाया और तीसरी ब्रांच ने 40 करोड़ फर्दर और दिखा दिया। तो जब हम 9C करेंगे तो वो प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे कि मैं टोटल जो टर्नओवर दिखा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं टोटलिटी में भी मेरे बाकी ऑडिटर्स के साथ आपस में कम्युनिकेशन हो। सर इसके से ब्रांच ट्रांसफर में फिर कैसे? हाँ जी ब्रांच ट्रांसफर वो भी आता हूँ सर। पोजीशन बहुत सारी आने वाली है। व्हाट इज दिस बेसिक क्वेश्चन कि मैं इनकम टैक्स में तो पैन बेस पर डील कर रहा हूँ, मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर एक ही है, मेरा जीएसटी में 10 रजिस्ट्रेशन है, 10 मेरे जीएसटी आर 9 गए हैं, 9C गए हैं, कल के में मिसमैच आता है तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? देखिए उस चीज के मैंने शुरू में जब हम नीचे डिस्कस कर रहे थे, मेरे जीएसटी के अंदर हर ट्रांजेक्शन के लिए देर शुड बी अंडरलाइन रिकॉर्ड। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जो विदाउट रिकॉर्ड के होना चाहिए। तो कल की डेट में जब मैं देखूंगा कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को ओवरऑल सारी ब्रांचेस का रिकंसिलेशन देखना पड़ेगा किस ब्रांच में प्रॉब्लम है। और ये जीएसटीएन विल बी एबल सप्लाई के समय मेरे को पता है तो मैं इनवॉइस पर दूंगा, या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो वो मेरा एज पर एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये क्रेडिट नोट जो इश्यू हुआ है, ये क्रेडिट नोट सेक्शन 34 का क्रेडिट नोट नहीं है। तो यहां पर जो मैंने बेनिफिट इनको आउटपुट टैक्स का इनको मिला है और जो सामने वाले ने आईटीसी रिड्यूस किया उस पर तो अलग बात है, तो इस पॉइंट 4 पे आ रहा हूं। जो आउटवर्ड सप्लाई के अगेंस्ट और आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट जो मेरा टैक्स रिड्यूस हुआ है दैट इज नॉट परमिसिबल। तो सबसे पहले मेरे को बट सर क्रेडिट नोट के डेफिनेशन में तो ये फंसता है ना सर, क्रेडिट नोट का नहीं। देखिए मैंने वही कहा, मैं जो क्रेडिट नोट रेज करता हूँ सेक्शन 34 के अंदर रेज करता हूँ। सेक्शन 34 के अंदर तीन कंडीशंस में मैं क्रेडिट नोट रेज कर सकता हूँ। नंबर 1, मेरी टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स मैंने इनवॉइस पे सही शो ना की हूँ। सही शो करने का नहीं करने का क्या मतलब है कि मेरी 1 लाख रुपए की एक्चुअल वैल्यू थी, गलती से मैंने 10 लाख रुपए लिख दिया, 1 लाख रुपए वैल्यू थी, गलती से मैंने 50 लाख रुपए लिख दिया, या मेरे को डिस्काउंट परमिसिबल हो। अगर डिस्काउंट परमिसिबल होगा तो दैट विल बी देयर। डिस्काउंट परमिसिबल मेरे को सेक्शन 15 के अंदर होगा, उसमें मेरे को क्या होना चाहिए, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन पता होना चाहिए कि ये कंडीशन होगी तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा, या मेरे इनवॉइस के अंदर डिस्काउंट होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो मेरा ये डिस्काउंट पूरा नहीं हुआ। एक वर्ड लिखता है कि अंडर, अगर अपना जो है वैल्यूएशन को अंडर वैल्यूएशन करते हैं तो उस कैटेगरी में क्रेडिट नोट हम इशू कर सकते हैं। द्वारा बोलिए क्या करें, अंडर वैल्यूएशन उसमें डेफिनेशन में ऐड करता है एक वर्ड। नहीं यहाँ अंडर वैल्यूएशन नहीं है ना, देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूएशन को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। वैल्यूएशन मैंने जो एक अनरिलेटेड पार्टी को इन्वॉइस दी और 50 लाख रुपए की इन्वॉइस दी, एक्सेप्टेड दैट, तो दैट इज अ वैल्यूएशन। बाद में मेरे टर्म्स कैश में डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ तो दैट इज नॉट डिस्काउंट एज पर सेक्शन 15। तो अगर वो सेक्शन 15 का डिस्काउंट नहीं है, गुड्स या सर्विसेज में डेफिशिएंसी नहीं है, गुड्स वापस नहीं आए हैं, तो दैट विल नॉट बी क्रेडिट नोट एज पर सेक्शन 34। और वो सेक्शन 34 का क्रेडिट नोट नहीं है तो मैं अपने आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी को भी रिड्यूस नहीं कर सकता। तो जब मैं GSTR 9 को कंपाइल कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर मैं 9C करूंगा तो वहां पर मेरा ऑडिट का पर्सपेक्टिव आएगा, कितना देखना है नहीं देखना वो हम सेकंड सेशन में देते हैं, लेकिन 9 को कंपाइल करते समय एटलीस्ट आई हैव टू कंपाइल दीज इंफॉर्मेशन कि मैंने क्रेडिट नोट के अगेंस्ट जो अपने आउटपुट टैक्स को रिड्यूस किया है क्या वो स्ट्रिक्टली सेक्शन 34 के हिसाब से है कि नहीं है। एंड बिलीव मी 50% से ज्यादा केसेस में विल फाइंड कि इट इज नॉट एज पर सेक्शन 34। तो यहां पर डायरेक्ट इंपैक्ट मेरा आउटपुट टैक्स के ऊपर आएगा। देखिए जो उसी में डिस्कस कर लेता हूँ, क्रेडिट नोट इज अ बिग चैलेंज। देखिए जो पोस्ट सेल डिस्काउंट है वो मेरा एज पर प्री डिटरमाइंड एग्रीमेंट होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको एक एडवांस टूलिंग भी बताऊं, अल्ट्राटेक सीमेंट की है महाराष्ट्र की, शुरू में आई थी। अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या है कि जो सीमेंट के मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके अपने प्लांट महाराष्ट्र में जगह जगह पर हैं, वो अपने डीलर्स को सीमेंट के बैग ट्रांसफर करते हैं। लेट्स से सीमेंट का बैग, एक सीमेंट का बैग 500 रुपए का है, वो 500 रुपए का बैग डीलर्स को 500 रुपए का ही सप्लाई करते हैं।
लेकिन जब डीलर अल्टीमेटली बेचता है तो 500 रुपए की जगह पे हो सकता है 250 रुपए का बेचे, हो सकता है 300 रुपए का बेचे, हो सकता है 350 रुपए का बेचे एज पर द मार्केट कंडीशन। तो व्हाट वाज द प्रैक्टिस कि अल्ट्राटेक्स सीमेंट मंथली बेसिस पर उस एनालिस्ट अपने एक एरिया का रिव्यू करता था और एक मंथली बेसिस पर उनको डिस्काउंट ऑफर कर देता था। तो द अथॉरिटी के सामने क्वेश्चन ये था कि ये सेक्शन 15 का डिस्काउंट है कि नहीं है। तो इवन अथॉरिटी वेंट टू द एक्सटेंट कि एग्रीमेंट तो है लेकिन एग्रीमेंट किस तरह से डिटर्मिनेशन होगा डिस्काउंट का ये नहीं है। तो दैट विल नॉट बी डिस्काउंट एज पर सेक्शन 15। तो बेसिकली व्हाट इज द पॉइंट हेयर, देखिए इस वाले केस को आप चैलेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट हेयर, सेक्शन 15 के जब मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ देयर शुड बी प्री डिटर्मिंड एग्रीमेंट। अगर मेरा इनके साथ पहले से एग्रीमेंट है, देखिए आज के डेट में आप बैक डेट में जाके एग्रीमेंट कर देंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि दो कंपनी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है और हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो जो मैंने इनको डिस्काउंट दिया है दैट इज नॉट एज पर प्री डिटर्मिंड एग्रीमेंट, देन इट विल नॉट बी डिस्काउंट एज पर सेक्शन 15। अब रिवर्स में इसको प्री डिटर्मिंड कैसे बनाएंगे वो प्रैक्टिकल थिंग अलग हो गई, गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट यही निकलता है कि मैं उसको प्री डिटर्मिंड डिस्काउंट कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा। उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा और जब सेक्शन 34 का क्रेडिट नोट नहीं होगा तो वो आईटीसी भी उसने जो रिड्यूस किया है, उसने तो सामने वाले ने आईटीसी रिड्यूस किया है, तो he has got to reduce the ITC also। लेकिन सर वो लॉ तो बोलता है कि ITC रिड्यूस कर देंगे बट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं, हम नहीं नहीं बात समझो। यहाँ पर जब मैं क्रेडिट नोट रेस करता हूँ तो क्या होता है, मान लीजिए इन्होंने मेरे को 10 लाख रुपए का क्रेडिट नोट रेस किया, 10 लाख रुपए पे लेट से 180,000 का टैक्स इम्पैक्ट था, तो होगा क्या कि ये अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करते हैं। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है कि इनकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है टोटल लायबिलिटी में से 180,000 गवर्नमेंट को कम पे करेंगे, ये होगा। मेरे को जो क्रेडिट, मैंने जो क्रेडिट क्लेम किया है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। नहीं सर, पोस्ट क्रेडिट जो होती है, पोस्ट क्रेडिट जो होती है उसमें आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड टैक्स नहीं घटता है, लेकिन सर आईटीसी कॉरस्पॉन्डिंग घटता है। ये यहाँ पर ही सर लूप हॉल्स है बहुत जबरदस्त एक्ट में। नहीं, अगर मेरा आईटीसी अलाउड ही नहीं है, वो आईटीसी यहाँ पर अगर पोस्ट सप्लाई में अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आईटीसी का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अगर पोस्ट डिस्काउंट मिलता है मतलब आफ्टर सेल डिस्काउंट किसी तरह का मिलता है तो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारी नहीं घटती है बट कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी हमारी घटती है। दोनों अभी वो आप जो केस बोल रहे हो वो अलग है, वो 17-18 के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि वो सर्कुलर में भी उस चीज का जो बताया उसकी मैं उस पॉइंट पर भी डिस्कस कर लेता हूँ, देयर इज अ डिफरेंट पॉइंट। अभी मैं बात कर रहा हूँ 17-18 के लिए जो मैंने 1-to-1 क्रेडिट नोट रेज करे हैं और सेक्शन 34 के हिसाब से क्रेडिट नोट रेज नहीं हुए और स्पेसिफिकली फॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अभी तो मैं आईटीसी पे आया नहीं हूँ, आईटीसी में तो मैंने गवर्नमेंट को बेनिफिट दिया है। आईटीसी मान लीजिए गवर्नमेंट को उसमें चैलेंज किया है, जहां पे मैंने एक महा जहां मेरे को 5 लाख का आईटीसी क्लेम करना था मैं उसकी जगह पे 4 लाख का आईटीसी क्लेम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को उसमें कुछ लॉस नहीं है। देखिए अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मतलब क्या है, आउटपुट टैक्स के पॉइंट से मतलब होता है कि आपने सारा आउटपुट टैक्स पे किया कि नहीं पे किया। आपकी लायबिलिटी थी 6,80,000 रुपए की, आपने 6,80,000 पे किए कि नहीं किए। आईटीसी में गवर्नमेंट इज कंसर्न जो आपने क्लेम किया वो सही क्लेम किया कि नहीं किया, अगर आपने कुछ कम क्लेम किया तो गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न विद दैट। कैरिंग पॉइंट, यहाँ पर क्रेडिट नोट में सामने वाले ने तो आईटीसी रिड्यूस किया है, गवर्नमेंट इज हैप्पी इनटू दैट, गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा देने के लिए नहीं आएगी लेकिन डिमांड एक्स्ट्रा टैक्स की इधर से होगी। दो क्वालिटी अलग अलग है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द आउटवर्ड सप्लाई। जो आप एक सर्कुलर की बात कर रहे हैं उसमें सर्कुलर में क्रेडिट नोट के लिए क्या उन्होंने 2-3 चीजें इशू डिक्लेयर क्लियर किए हैं, शायद 7 मार्च को शायद आया था 92 या 91 नंबर। देखिए सबसे पहला तो एक चेंज आया कि 17-18 के अंदर में मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट सिंगल क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता था। 1 फरवरी 2019 के बाद में मैं मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट एक सिंगल क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ, सही। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सर्कुलर 7 मार्च का है वो कहीं पर भी सेक्शन 15 को नहीं छेड़ता। वो सर्कुलर एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने 1+1 किसी को सप्लाई दी है, आपने एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री दी या एक शर्ट के साथ एक पैंट फ्री दी, तो वो कह रहा है कि दोनों की मिला के वो वैल्यू हो जाएगी, वो फ्री नहीं हुआ, दोनों की मिला के कंबाइंड वैल्यू हो गई, जो आपने इनवॉइस रेस करी है उसका सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा, नंबर वन। दूसरा मेरा स्टैगर्ड डिस्काउंट भी होता है, पोस्ट सेल सप्लाई डिस्काउंट भी होता है कि मान लीजिए कि पूरे साल भर में अगर आपने 1 लाख टन की सप्लाई करी तो आपको एडिशनल 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपने अगर 1,000 बैग्स बेच दिए तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कह रहे हैं दिस विल बी अलाउड,
इसमें होगा क्या कि सामने वाले को उसका एक क्रेडिट नोट मिलेगा और सामने वाला उसका बेनिफिट ले लेगा। इफ इट इज एज पर सेक्शन 15, वहां पर भी लैंग्वेज देखेंगे, इट शुड बी एज पर सेक्शन 15 डिस्काउंट होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर ये डिस्काउंट सेक्शन 15 के हिसाब से डिस्काउंट नहीं है तो आप फाइनेंशियल क्रेडिट नोट रेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट रेज करने से क्या इंपैक्ट आएगा कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं घटेगी और आपको आईटीसी भी रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड देयर कि मान लीजिए कि मैंने इनसे 50 लाख रुपए की सप्लाई ली, इन्होंने मेरे को 50 लाख रुपए की सप्लाई करी, अब इनको 5 लाख रुपए का क्रेडिट नोट रेज करना है। दो सिचुएशन हो सकती है, अगर वो क्रेडिट नोट एज पर सेक्शन 34 है तो इनकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस होगी और मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिड्यूस मैं कर लूंगा। लेकिन अगर वो सेक्शन 34 का क्रेडिट नोट नहीं है, लेट से 50 लाख के अगेंस्ट 5 लाख का इनको क्रेडिट नोट रेज करना है, तो ये 5 लाख का क्रेडिट नोट मेरे को रेज कर देंगे एज पर दैट सर्कुलर, दैट विल बी फाइनेंशियल सर्कुलर जिसका जीएसटी के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। उससे होगा क्या कि ये पूरे 50 लाख के ऊपर इन्होंने आउटपुट टैक्स पे किया, जो बेसिक क्वेश्चन आ रहा था इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इन्होंने 5 लाख का मेरे को क्रेडिट नोट दे दिया जबकि मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर रहा हूँ 50 लाख की वैल्यू के ऊपर। तो सर्कुलर हैज क्लेरिफाइड कि जो इनवॉइस 50 लाख की थी और ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट नहीं है तो मैं ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। दैट वाज अ सर्कुलर, ये पॉइंट था उसके अंदर। वहां पर कहीं भी सेक्शन 34 या 15 को टच नहीं किया, उसमें ये बताया है कि आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम से आपकी फ्री सप्लाई है तो वो कंसोलिडेट सप्लाई हो गई, आपकी या तो कंपोजिट सप्लाई हो गई तो वैल्यूएशन एक ही हो गया, सामने वाले को आईटीसी कैसे मिलेगा और कैसे नहीं मिलेगा। जैसे मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, उसके लिए स्पेसिफिकली पहले भी एक सर्कुलर आया था। मेडिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई सप्लाई मार्च 2018 में हुई, वो जो दवाइयां रिटर्न होती हैं 6 महीने में नहीं होती, वो 2 साल बाद या 3 साल बाद होती है। जबकि मैं क्रेडिट नोट ट्रेस करने का टाइम क्या है, सितंबर। मान लीजिए कि मैंने मार्च 19 में कोई दवाई अपने वेंडर को सप्लाई करी, मान लीजिए कि मैंने कोई मार्च 19 में अपने वेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को दवाइयां सप्लाई करी, 2 साल के बाद वो दवाइयां एक्सपायर हो गई, अब दवाई वापस आनी है, तो क्या मैं क्रेडिट नोट रेज नहीं कर सकता था? आंसर वाज देयर, क्या क्रेडिट नोट रेज कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी एज पर सेक्शन 34। क्रेडिट नोट सेक्शन 34 का क्रेडिट नोट नहीं होगा अगर सितंबर 19 के बाद हो रहा है, उसकी टाइम लिमिटेशन है, कंडीशंस हैं। तो व्हाट माय पॉइंट इज हियर कि जो भी हम क्रेडिट नोट के कारण में आउटवर्ड सप्लाई के अंदर, यहां पे क्या पॉइंट स्पेसिफिकली बताना चाह रहा था कि मैं जो सेक्शन जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई के अंदर टेबल 4 के अंदर मैं अपने क्रेडिट नोट को अलग से डिक्लेयर करूंगा, वहां पर अलग से डिक्लेयर होगा कि पूरे साल भर में मैंने कितने क्रेडिट नोट रेज किए हैं, मेरे को क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या वो क्रेडिट नोट एज पर सेक्शन 34 है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वो हो सकता है या नहीं हो सकता और उसका इंपैक्ट मेरी आउटवर्ड लायबिलिटी पे क्या आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली पिन पॉइंटर है। दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। जो टेबल 4 है उससे मेरा क्या क्या तीन चीजें समाप्त हो गई, जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई मैंने 17-18 में डिक्लेयर करी, इनवर्ड सप्लाई सब्जेक्ट टू आरसीएम एंड एडवांसेस, तीन चीजों का टेबल 4 के अंदर आ गया। फिर इसके बाद आती है टेबल 5। टेबल 5 के अंदर मैं आउटवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं होना वो शो करूंगा, यानी कि मेरी कौन कौन सी सप्लाई हो गई, मेरी एक्सपोर्ट सब्जेक्ट टू एलयूटी, एसईजेड सप्लाई सब्जेक्ट टू एलयूटी, एग्जम्प्टेड सप्लाई, निलेटेड सप्लाई, और इन्होंने जीएसटी 9 के अंदर एक और वर्ड डाल दिया नो सप्लाई, तो यहां पर आएगी। यहां पर पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि टोटल आपकी जितनी टर्नओवर आप दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिकनसाइल हो सके। अब इसमें एक मेजर क्वेश्चन आता है रिम्बर्समेंट्स का। जनरली रिम्बर्समेंट्स हम लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो तीन एग्जांपल्स। मान लीजिए कि मैंने अपने क्लाइंट की आरओसी फीस पे करी, आरओसी का चालान पे किया, चालान टोटल 50,000 रुपए का था और मेरी प्रोफेशनल फी लेट से 10,000 रुपए की थी, मैं क्लाइंट से 60,000 रुपए लूंगा। पहला बेसिक क्वेश्चन, मैं 60,000 रुपए की इनवॉइस कैसे रेज करूंगा, या सिर्फ पहला 60,000 की रेज करूंगा, 10,000 की रेज करूंगा, या फिर 50 का अलग करूंगा और 10 का अलग करूंगा। नहीं सर, एक ही इनवॉइस रेंज होगी सर, 60,000 की और जीएसटी 10,000 पे लग के जाएगा। बिल्कुल, कोई इसमें डिस्प्यूट किसी का, मतलब दो नहीं मैं करूंगा, मैं 50,000 और 10,000 एक साथ ही एक इनवॉइस पे अलग अलग दिखाऊंगा और
10,000 के ऊपर टैक्स चार्ज करूंगा, यानी कि मेरी इनवॉइस वैल्यू 60,000 रुपए हो गई और टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपए हो गई। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि 50,000 रुपए को, पहला क्वेश्चन, मैं GSTR 9(1) में कहीं दिखाता हूँ? नो, वन में कहीं दिखाता हूँ? प्योर एजेंट की सप्लाई कहीं नहीं दिखाते, प्योर एजेंट का रिइंबर्समेंट नेचर का कुछ भी जो है वो नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। 9 में कहाँ दिखाऊंगा? कहीं पे नहीं आएगी। 9 में कहीं दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? देखिए, इसमें जो ट्रीटमेंट है बेसिकली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दो तरह से होता है कि बेसिकली मैं अपनी इनकम भी दिखा के एक्सपेंस भी दिखाता हूँ, क्योंकि कई इंडस्ट्री इसी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि रिइंबर्समेंट्स की टैक्सेबल वैल्यू जीरो है, पर से मेरे को टैक्स वैल्यू कहीं दिखानी भी है तो वैल्यूएशन उसका जीरो है, वो हमेशा मेरा रिकंसिलिएशन का पार्ट बन जाएगा 9C में, क्योंकि अगर मेरे इनकम का पार्ट है वो और मेरा 9 में भी नहीं आ रहा, 1 में भी नहीं आ रहा, तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ माय रिकंसिलिएशन। मैंने पॉइंट इसलिए बोला कि कहीं पर अगर मेरे प्योर एजेंट वाले रिइंबर्समेंट्स हैं तो मैं फिगर्स को टैली ना कर दूं, वो रिइंबर्समेंट का डिफरेंस 9C में आएगा ही आएगा, क्योंकि कई बार हम वर्किंग रिवर्स वे में करते हैं तो वो रिवर्स वे में हमें वो ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो बैंक्स में जनरली हमारा होता है। मैं बैंक के ऑडिट के लिए गया, बैंक का जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, होटल का खर्चा है, वो मैंने बैंक से क्लेम किया। पहला क्वेश्चन, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। कोई है जो नहीं लगेगा? सर, अकेले होने से घबराइए नहीं, क्योंकि बाद में ये चीज चैलेंज आएंगी। लगेगा कि नहीं लगेगा? सबने क्लेम किया लगेगा। सर, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। On behalf of pure agent नहीं। His question is कि reimbursements पे GST नहीं लगेगा। Sir, कोई counter है इसका? Yes sir। ये actual लगाते हैं। As a pure sir, on behalf of his principal नहीं है, इसलिए sir लगेगा उस पे। उनका answer बिल्कुल सही है। इसमें basically हमें जो rule 30 या 33 है वो देखना पड़ेगा। Pure agent की condition जहाँ पे हम basically reimbursements की बात कर रहे हैं, GST में हमें ये देखना है कि वो pure agent की conditions में fulfill हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसमें बेसिकली जो 7 कंडीशंस हैं, 4+3 अलग वो दिया हुआ है, उसमें बेसिकली व्हाट इज द कंडीशन, कि आपका बेसिक कंडीशन ये है कि आप किसी के बिहाफ पर पेमेंट करोगे। देयर शुड बी ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, तीनों को पता होना चाहिए कि मैं उसके बिहाफ पर कर रहा हूँ, मैं उसके बिहाफ पर कर रहा हूँ। आप होटल में जाके रुकते हैं, क्या होटल वाले को पता है कि आप बैंक के बिहाफ पर रुके हो? ऑफिशियली नहीं पता, वो इनफॉर्मली पता हुआ बात अलग है। आपने पे नहीं किया तो क्या बैंक वाला जो वो जो होटल वाला है बैंक से क्लेम कर पाएगा? नो। तो आज की डेट में सबसे पहला टास्क हमें ये देखना है जहां भी रिइंबर्समेंट्स हैं वो प्योर एजेंट की कंडीशंस में फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री है, फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री में हम काफी कुछ रिइंबर्समेंट्स में डालते हैं, तो रिइंबर्समेंट्स में डालने से पहले व्हाट वी हैव टू बी क्लियर कि मेरे जो रूल 33 की प्योर एजेंट की कंडीशन है वो सारी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। एटलीस्ट व्हाट वी हैव टू मेक एंश्योर कि जो पार्टी का नाम है उस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि जो सामने वाला बिल रेज कर रहा है उसको पता रहे कि मैं इसके बिहाफ पर खर्चा कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिइंबर्समेंट होता है शिपिंग बिल के अंदर, जो ओरिजिनल बीएल है उसका रेफरेंस आ जाता है कि उसके अगेंस्ट वो खर्चा हो रहा है। तो व्हाट इज द बेसिक पॉइंट, अगर मैंने रिइंबर्समेंट के ऊपर टैक्स पे नहीं किया है, रिइंबर्समेंट इज नॉट ओनली कि मैंने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया, दैट इज वन ऑफ द कंडीशन, कि मैंने 100 रुपए खर्चा किया और 100 रुपए रिकवर किए, दैट इज नॉट ओनली द कंडीशन ऑफ रिइंबर्समेंट। रिइंबर्समेंट की कंडीशन के लिए मतलब है कि मेरे को रूल 33 में जाना पड़ेगा, तीनों पार्टीज को उसको पता है और पार्टी को पता है कि मैं दूसरी पार्टी के बिहाफ पर खर्चा कर रहा हूं। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही है तो दैट विल नॉट बी प्योर एजेंट। रिइंबर्समेंट हो सकता है लेकिन प्योर एजेंट नहीं होगा। व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जीएसटी के अंदर रिइंबर्समेंट नहीं, वी हैव टू सी द प्योर एजेंट, क्योंकि रिइंबर्समेंट तो ये हो गया कि मैंने 100 रुपए खर्च किए, 100 रुपए आपसे लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो प्योर एजेंट की कंडीशन में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वो प्योर एजेंट की कंडीशन में पड़ रहा है तो मेरे मोर ऑर लेस 9C का रिकंसिलेशन का पार्ट बनेगा। रिकंसिलेशन का भी पार्ट कब बनेगा? जब मैंने अगर उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर अपनी इनकम दिखाया हो। जैसे फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, वो पहले अपनी इनकम भी दिखाते हैं और इधर इनकम एक्सपेंस भी दिखाते हैं। तो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ रिकंसिलेशन करेंगे तो वो मेरा टर्नओवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आ रहा होगा, 109 में कहीं नहीं आ रहा होगा, तो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ रिकंसिलेशन। दूसरा जो मेरा रिकंसिलेशन का पार्ट बनेगा, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज एडवांस। उसका रीजन क्या है, क्या मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जब मैं टर्नओवर लूंगा उसके अंदर एडवांस पार्ट होगा? नो। लेकिन टेबल 4 और 5 के अंदर मैं एडवांसेस को ऐड कर रहा हूँ जिसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी है। तो मेरा एडवांसेस और रिइंबर्समेंट, ये दो चीज ध्यान रखिए, अगर जीएसटी के अंदर डिफरेंस है ट्रीटमेंट का तो वो मेरा 9C के अंदर रिकंसिलेशन के अंदर डिफरेंस का पार्ट बनेगा। अब सेकेंड बेसिक क्वेश्चन आता है, जो पहले हमने एग्जाम्पल लिया कि मैंने कोई सप्लाई, कुछ सप्लाई
17-18 में दिखा दी, कुछ सप्लाई 17-18 की 18-19 में दिखा दी, अब कुछ सप्लाई मैंने दिखाई नहीं। मान लीजिए कि मेरा उस एग्जांपल को फिर से रिपीट कर लेते हैं, मेरा टोटल टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का है, 80 करोड़ रुपए की सप्लाई मैंने 17-18 में दिखा दी, वो मैं टेबल 4 और टेबल 5 में दिखा दूंगा। 15 करोड़ रुपए की सप्लाई मैंने 18-19 में दिखा दी, वो मैं टेबल 10 में दिखा दूंगा। बची 5 करोड़ रुपए की सप्लाई, उसका मैं क्या करूंगा आज की डेट में? हमें जीएसटी 9 बनाना है। मैंने 17-18, 18-19 सब रिकंसिलेशन कर लिए, सब कुछ कर लिया। 80 करोड़ रुपए मैंने जीएसटी 9 टेबल 4 में दिखा दिए, 15 करोड़ रुपए मैंने टेबल 10 में दिखा दिए, क्योंकि मैंने 18-19 में डिक्लेयर किया था। 5 करोड़ रुपए के ऊपर ना ही मैंने टैक्स पे किया है, ना ही मैंने आउटवर्ड सप्लाई कहीं शो करी है। आज की रेट में मैं उसको कैसे ट्रीट करूंगा? एनी आंसर? हाँ जी सर, एनी बड़ी टेबल 4 टेबल 4 में लेके टैक्स पे कर देंगे सर, टेबल नंबर 4 में लेकर के और टेबल नंबर 9 में टैक्स पेबल दिखा करके DRC 03 पे कर दें। द वन सॉल्यूशन इज कि हम टेबल 4 में ऐड कर दें, टैक्स पेबल टेबल 9 में दिखाएं और उसको GSTR 9 के अंदर DRC 03 के थ्रू टैक्स पे कर दें। और कोई इसके अलावा किसी को लगता है कैन बी डन? अगर सर ऑडिट है तो 9 सी में करेगा, वो अगर 9 में नहीं पकड़ा गया तो 9 सी में, दैट इज अनदर अप्रोच। तो देखिए दोनों ही अप्रोच अपनी जगह सही है। उसका रीजन क्या है? आज के डेट में एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि मैं जो एडिशनल टैक्स पे करूंगा वो DRC 03 के थ्रू ही पे करूंगा, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। अगर मेरी कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है तो मैं DRC 03 के ही थ्रू पे करूंगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि फॉर्म के अंदर इंस्ट्रक्शन है कि DRC 03 में कैश के थ्रू पे करूंगा। अब वो लीगली चैलेंजेबल है, लेकिन आज की डेट में जब हम फॉर्म भरेंगे तो प्रैक्टिकली हमें वो कैश के थ्रू पे करना पड़ेगा। तो दो चीजें बड़ी क्लियर हो गई कि अगर मेरी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आती है तो मेरे को उसको कैश के थ्रू पे करना है, अगर आज के डेट में मैं GST 9 की बात करूं, और मैं DRC 03 के थ्रू भरूंगा। अब बात यह आती है कि मैं उसका एडजस्टमेंट GST 9 में ही कर दूंगा या मैं 9C में करूंगा। तो देखिए जो फॉर्म है 9 के अंदर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करने का ऑप्शन दे रहा है। इवन मैंने जैसे बताया कि अभी उपेंद्र गुप्ता जी ने भी इंस्टीट्यूट के साथ ही फॉर्मल मीटिंग की IDT कमेटी की, तो उसमें उन्होंने भी वहां पर ये बोला कि आप टेबल 4 के अंदर उसकी सप्लाई को ऐड कर दो और टेबल 9 के अंदर टैक्स पेबल में ऐड कर दो और पे कर दो। दैट वाज हिज वर्जन, लेकिन ये कहीं कोई सर्कुलर या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर मेरा व्यू जो है, पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अगर देखूं तो मेरे पास क्या क्या है, 1, 3B, GST R9, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड माई GST R9C। एंड वॉट इज द स्कीम ऑफ लॉ कि आप GST R1 और 3B के बेसिस पर GST R9 बना रहे हैं, और अगर आपका कहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और GST R9 के अंदर डिफरेंस है तो आप 9C के अंदर उसको दिखा दो। तो अनदर अप्रोच कैन बी कि जहां पर ऑडिट हो रहा है, जहां ऑडिट ही नहीं हो रहा वहां तो मैं कुछ GST 9 में मैं कर दूंगा, जहां ऑडिट हो रहा है मैं GST R9 को 3B के बेसिस पर कंपाइल करूंगा आउटवर्ड सप्लाई को, और जो भी डिफरेंस मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और 3B का है वो 9C के अंदर मैं उसको रिफ्लेक्ट कर दूं। देखिए दोनों अप्रोच पॉसिबल है, अब आपका कंफर्टेबल जोन कहां है उस हिसाब से वी कैन सी। पर उसमें 9 में सर्टिफाई तो SSC कर रहा है ना, SSC कर रहा है, 9C उसके बाद जाएगा। देखिए अल्टीमेटली 9C का पर्पस क्या है, 9C का पर्पस यही था कि अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और मेरे रिटर्न्स में कुछ डिफरेंस है तो ऑडिटर सर्टिफाई कर दे। 9C बेसिकली ऑडिट से पहले रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड माय GST R9, एंड 9 इज बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ 1 एंड 3B। तो अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच देखूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच इज 1 एंड 3B में GST 9 का बेस हो गए, और बुक्स ऑफ अकाउंट से मेरा कोई डिफरेंस आया तो मैं 9C में उसको डिक्लेयर करके उसके थ्रू एडिशनल टैक्स पे करूं। बोथ अप्रोच कैन बी डन अनलेस अंटिल सम क्लेरिफिकेशन कम्स, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज, देखिए मैं हर जगह ही बोल रहा हूं कि आप 9 के अंदर 4 की जगह 5 में दिखा दिया, 5 की जगह 10 में दिखा दिया, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू मेक इंश्योर 9 और 9C मिला के जितना मेरा टैक्स बैठता मैं पे कर दूंगा, 9 और 9C मिला के जितनी मेरी आउटपुट सप्लाई है वो मैं डिक्लेयर कर दूं। फर्स्ट अप्रोच मेरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसको वहां नहीं दिखाया है तो आई एम अट्रैक्टिंग सेक्शन 74। तो सबसे पहला टास्क मेरा यही होना चाहिए कि मैं टोटल मेरा क्या आउटपुट सप्लाई अपनी दिखा दूं। अगर मैंने किसी कॉलम को ऊपर नीचे कर भी दिया इन माय पर्सनल ओपिनियन, उससे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला, ज्यादा से ज्यादा मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, एक कंसीलेशन फाइल कर दूंगा कि मैंने यहां से यहां दिखा दिया। सर इनवॉइस सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज,
अगर 17-18 की मैंने 18-19 में पे करी तो 9 पे कहाँ दिखाता सर? भी आईटी से पे आप सभी नहीं तो पेमेंट की पेमेंट ही कर दी मैंने 17-18 के 18-19 में करी इनवाइट सप्लाई लाइव टू रिवर्स चार्ज सर मेरे ओपिनियन के हिसाब से उसका प्राइस नहीं मिलेगा दैट डिफरेंट व्यूज ऑन दैट बट अगर आप जाएं तो सेक्शन 31 सीएफ के अंदर भी जो मैं इनवॉइस या डॉक्यूमेंट की बात करता हूं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ और मेरे को टैक्स इनवॉइस वहां का रेज करनी है टैक्स इनवॉइस मेरे को रेज करनी है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने सप्लाई ली है मार्च 19 तक तो कर ही सकते हैं नहीं जीएसटी 9 इज कंपाइलेशन ऑफ ट्रेजरी एंड बुक्स वन बट जैसे जीएसटी 2 ए है उसको हम कहीं इसमें इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि जीएसटी 2 ए में हमारे सप्लायर ने उसको नहीं शो किया सर में जीएसटी 3 मैं अभी आईटीसी पर आ रहा हूं बेसिकली जीएसटी 2 से जस्ट एक इंफॉर्मेटिव है मैं उस पर आ रहा हूं उसका इन माय ओपिनियन बहुत ज्यादा 9 के ऊपर इंपैक्ट नहीं है एज ऑडिटर और एज एन असेसिंग ऑफिसर दे हैव टू सी कि अवेलेबल होगा कि नहीं होगा लेकिन जब मैं 9 और 9 सी कंपाइल कर रहा हूं उसके अंदर 2A का सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस से पर्पस है अभी 90C आ रहे हैं उस पर विल डिस्कस कर सर जो रिवर्स चार्ज का था वो 30 सितंबर के पहले मान लो मार्च का था 18 का और ट्रायल में सर जो है जमा करा दिया देखो अगर उसमें ना एक ओपिनियन क्या है अगर आप उसकी कंडीशन को देखें रूल 36 में वो क्या कहता है कि आपको 31 एंड दैट इज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स यानी कि आपको क्रेडिट उसका तभी मिलेगा जब आप उसका टैक्स पे करेंगे तो पहली चीज तो यह है कि आपको इनवॉइस तो उसी समय बनाई है कि नहीं बनाई अगर आपने इनवॉइस उस समय नहीं बनाई तो आपको क्रेडिट करना पेमेंट अप्रैल में करी है तो वन थॉट प्रोसेस क्योंकि आपने अप्रैल में उसका पेमेंट किया है तो आपकी आपका आईटीसी लेने के लिए दोनों कंडीशन है आपको इनवॉइस भी रेज करनी है और पेमेंट भी करना है तभी मैं स्थिति में उसी महीने क्रेडिट देता हूँ पेमेंट करता हूँ तो मैंने जिस महीने पेमेंट किया है उस समय मैं उसका पॉसिबिलिटी है देखिए दो चीजें क्योंकि देखिए आईटीसी अवेल एंड आईटीसी एंटाइटल मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इसी को एग्जांपल को आपको एक्सटेंड कर देते हैं मैंने 25 मार्च को मैंने 25 मार्च को सामान खरीदा और मैंने डोर डिलीवरी का अपने क्लाइंट को बोल दिया मेरे पास आया 10 अप्रैल लेकिन मेरे को इनवॉइस कब इशू करनी है 25 मार्च को मेरे पास इनवॉइस कब आ गई 25 मार्च को मैं उसका क्रेडिट कब लूंगा मार्च में अप्रैल में अप्रैल में क्योंकि सेक्शन 16 के अंदर चार कंडीशन में से एक कंडीशन ये है कि मेरे को गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए अगर 25 मार्च को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 25 मार्च को मेरे पास टैक्स इनवॉइस आ गई और 10 अप्रैल को मेरे पास गुड्स की इनवॉइस आई है तो मैं क्रेडिट अवेल करूंगा अप्रैल में लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब दिखाऊंगा वहां पर मेरे पास क्या है रिकॉर्ड है मैंने लिया है तो आप जो ट्रांजेक्शन बता रहे हैं मैं अगर लॉ वाइज देखूं तो मेरा 31(3) दोनों चीजें होनी चाहिए मेरे को इनवॉइस भी बननी है और मेरे को टैक्स का पेमेंट भी करना है अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो मेरे को क्रेडिट अवेल नहीं होगा तो आपने इनवॉइस उस समय रेज करी कि नहीं करी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया तो मैंने इसलिए बताया कि दोनों कंडीशन है वी कैन फाइट ऑन दैट बेसिस कि मेरे को जब तक मैं पेमेंट ही नहीं करूंगा दैट इज नॉट माय राइट 9 इट विल गो इनटू माय 3B जब व्हेन आई मेक अ पेमेंट 9 मंथ्स हो गए 3B से हुआ अब आ जाते हैं आईटीसी पर सर आउटवर्ड सप्लाई में बिल्कुल जो मैं 17-18 का क्रेडिट नोट है 17-18 तक रेज कर सकता हूँ और उसमें लॉ में कोई चेंज नहीं है तो आपको टेक्निकली क्रेडिट नोट 17-18 के पहले रेज करना पड़ेगा हाँ बिल्कुल होगा ये सब रिकंसिलिएशन का पार्ट बनेगा देखिए बेसिकली क्या है जब मैं क्रेडिट नोट जो 17-18 का मैंने इनवॉइस रेज करी एग्जांपल ले लेते हैं मान लीजिए कि आपने एक इनवॉइस रेज करी 5 लाख रुपए की आपको उसका क्रेडिट नोट रेज किया मान के चलते हैं सेक्शन 34 का है आपने रेज किया अगस्त 2018 में दैट इज योर क्वेश्चन तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई 5 लाख रुपए की हो गई
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी मैं 5 लाख रुपए दिखाऊंगा। क्रेडिट नोट जो मैं अगस्त में रेस करूंगा, 18-19 में मैंने रेस किया है, पर्टेनिंग टू 17-18 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब दिखाऊंगा? हाँ जी, 18-19 में। मैं अपने GSTR 1 में कब दिखाऊंगा? मैं अपने GSTR 3 में कब दिखाऊंगा? अब 9 में कब दिखाऊंगा? क्लियर? बस तो बेसिकली मेरे को लेकिन टाइम लिमिट ध्यान रखना है, अगर वो 17-18 का पर्टेन है तो सितंबर से पहले होना चाहिए, लेकिन जिस महीने मैं रेज करता हूँ क्रेडिट नोट बेसिकली इट विल बी गोइंग इनटू दैट मंथ रिटर्न एंड उसी फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स में जाएगा। सर, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स एंड फाइनेंशियल डेबिट नोट्स वो तो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं दिखाने की जरूरत है, लेकिन वो रिकंसिलिएशन का पार्ट बन जाएंगे। देखिए फाइनेंशियल क्रेडिट इज मूविंग इन दैट, हां वो 9C का पार्ट बन जाएंगे। और दूसरा अगर सपोज करो कि रिइंबर्समेंट वाला पार्ट में डेबिट नोट के थ्रू क्लियर करता जा रहा हूं, तब भी दिखाने की नहीं। देखो एक चीज बड़ा क्लियर रखना पड़ेगा कि रिइंबर्समेंट प्योर एजेंट है, नहीं मैं आरओसी वाले की बात कर रहा हूं, चालान की। वो मैं डेबिट चालान के लिए देखिए रूल बड़ा क्लियर है, रूल 33 में जाएंगे उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आपका जो रिइंबर्समेंट पोर्शन है जो प्योर एजेंट पोर्शन है आपको इनवॉइस पे इसको सेपरेटली शो करना है अलोंग विद अदर वैल्यू ऑफ द सप्लाई, दैट इज अ लॉ। अगर लेकिन आपने अलग भी शो किया हुआ है लेट से तो वो अलग से चला जाएगा, मतलब कहीं नहीं आएगा। अगर आपने अपनी इनकम पोर्शन में उसको दिखाया हुआ है तो 9C का रिकंसिलिएशन का पार्ट बनेगा, नहीं दिखाया तो कहीं नहीं बनेगा। डेबिट नोट भी इक्वल टू इनवॉइस ही है, डेबिट नोट इक्विवेलेंट टू इनवॉइस है, डेबिट नोट इक्विवेलेंट टू इनवॉइस। हाँ ये बेसिकली इनवॉइस ही होगा, यहाँ पर आप रिकवरी कर रहे हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंट आपका टैक्स इनवॉइस ही होना चाहिए। देखिए बेसिकली अगर मैं GST लॉ के हिसाब से बात करूँ, मैं जब भी अपनी कोई सप्लाई कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई यूज करूंगा। बिल ऑफ सप्लाई या तो वो एग्जम्प्टेड सप्लाई होगी या कंपोजिशन डीलर का होगा तो होगा, अदरवाइज टैक्स इनवॉइस होगा। अब मैंने ROC के लिए रिइंबर्समेंट लिया, पहली चीज ये सप्लाई है कि नहीं? सप्लाई है, दैट्स आई वांट टू मेक क्लियर, दैट इज अ सप्लाई विद जीरो टैक्सेबल वैल्यू, गेटिंग अ पॉइंट? तो इसीलिए अगर आपको उसके लिए रेज भी करना है, ये रेज द करेक्ट पॉइंट कि वो सप्लाई है लेकिन रूल 33 के कारण उसकी टैक्सेबल वैल्यू जीरो है, तो टेक्निकली स्पीकिंग उसके लिए भी टैक्स इनवॉइस होगी विद जीरो रेट। तो इसीलिए मेरा जो भी पहला मैंने क्वेश्चन पूछा था, प्रैक्टिकली मेरा रिइंबर्समेंट और मेरी टैक्स सर्विसेज की जो वैल्यू है एक ही इनवॉइस में आनी चाहिए, जिसमें कि मेरी इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। तो कमिंग टू द ITC सर, सेक्शन 15 वाले किधर आएंगे? टेबल 4 में ही ना? सर 17-18 का है लेकिन मैंने 18-19 से रिटर्न में दिखाया, नहीं ये वो है सर, तुम्हारे 17-18 अगर मैंने टर्नओवर काम ही नहीं कर रहा सर, काम ही कर रहा है तो यार फालतू में सर, फरवरी 19 की मैंने रिटर्न फाइल करी, मिस्टेक हो गई उसमें, जो दिल्ली का रिटर्न था वो मुंबई में चला गया, वहाँ पे 5 करोड़ का टर्नओवर फाइल कर दिया। अब क्या है कि वो यूटिलाइज नहीं हुआ, मार्च कभी नहीं होगा, वो भी नहीं, मान लो लाख लाख रुपए की सेल तो 5 करोड़ होगा भी नहीं, हाँ वो यूटिलाइज नहीं हुआ, तो अब उसको क्या मुझे अपना ITC रिवर्स कर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? बेसिक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि हर साल मेरी 5-5 लाख रुपए की टोटल एवरेज सप्लाई होती है, किसी एक महीने में मैंने 5 लाख की जगह 5 करोड़ कर दिया, यही हुआ टैक्स भी एक्चुअल सब कुछ स्पेशल टैक्स लेकिन एक्चुअल पर है या टैक्स भी 5 करोड़ रुपए पे कर दिया? 5 करोड़ रुपए कर दिया। देखो उसका तरीका क्या है, क्योंकि पहली बार सुना है कि टैक्स भी 5 करोड़ रुपए कर दिया, मतलब रिटर्न में ये हो गया कि जो दिल्ली का था वो मुंबई में चला गया। नहीं मैं उसी बात पे जा बताऊं, अगर मैं मान के चलता हूँ कि 5 लाख की जगह 5 करोड़ हो गया और उसके ऊपर मैंने टैक्स भी पे कर दिया, नहीं सर थियरी चेंज हुई ना, वो किस वजह से हुई वो अलग बात है,
मैंने 5 लाख की जगह 5 करोड़ कर दिया, वो मैं बॉम्बे की ब्रांच का कर दूं, कलकत्ता की ब्रांच का कर दूं, जो क्लर्क का लड़ा कर दूं, किसी वजह से क्या फर्क पड़ता है? तो वन में होगा ना सर? नहीं नहीं, थ्री में होगा। अल्टीमेट ये हुआ ना, फिगर चेंज हो गई। दिल्ली में मैंने 5 लाख की सेल थी, उसकी जगह 5 करोड़ कर दी, दैट हैपेंड या नहीं? ये हुआ, और उसकी जगह पे मैंने टैक्स भी ज्यादा पे कर दिया। तो देखो, इसका सोल्यूशन आज की डेट में यही है, जो 29 दिसंबर का एक सर्कुलर था उसके कारण मैं आगे एडजस्टमेंट कर सकता था, लेकिन यहाँ का आगे एडजस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर मेरा एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, मेरा टैक्स इंपैक्ट नहीं है, तो मैं सिंपल डिपार्टमेंट में एक लेटर दे दूंगा, बात खत्म हो गई। अगर टैक्स इंपैक्ट है और मैंने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, तो या तो मैं आगे उसको एडजस्ट करते जाऊंगा, एडजस्ट जब नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे को रिफंड के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 54 के अंदर एक रिफंड है कि अगर आपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं करी और उसके अगेंस्ट अगर आपने टैक्स पे किया, तो यू हैव टू गो फॉर द रिफंड। तो आप दिल्ली से मुंबई का टैक्स एडजस्टमेंट ब्रांचेस का नहीं कर पाओगे आज के लिए। लेकिन वो आईटीसी के एडजस्टमेंट से हुआ है, एक्चुअल टैक्स पे नहीं हुआ, वो आईटीसी का। अच्छा, आईटीसी के एडजस्टमेंट से हुआ है, मतलब आपने कैश पे नहीं किया? कैश पे नहीं किया है, इनपुट दोनों जगह अप्रोप्रिएट था, लेकिन वहाँ पे 2 करोड़ का जाना था, 5 करोड़ का मैंने टैक्स मतलब फिगर डाल दिया। तो लेकिन आप आईटीसी रिवर्स जो अदर्स का है उसको रिवर्स कर सकते हो, लेकिन विद इंटीमेशन टू डिपार्टमेंट, आप इंटीमेशन जरूर डिपार्टमेंट को दे दो चीज की वी हैव डन दिस। अच्छा, फिर से क्लेम कर लें उसको? विदाउट इंटीमेशन करेंगे तो कल केट में इट विल बी चैलेंज, बट अप्रोप्रिएट मेथड इज कि मैंने आईटीसी भी यूटिलाइज किया है। अगर आप स्ट्रिक्टली लीगली पूछे तो आई हैव टू गो फॉर द रिफंड, क्योंकि आप आपस में सीजी, आपको ये भी देखना पड़ेगा, आपस में सीजीएसटी एसजीएसटी का आईजीएसटी से नहीं कर सकते, मतलब आप जो आपस में एडजस्टमेंट भी करेंगे सीजीएसटी का सीजीएसटी से, एसजीएसटी का एसजीएसटी से, आईजीएसटी का आईजीएसटी से करोगे, आपस में क्रॉस एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन 3B में आज के टाइम फ्री है करने के लिए, जो मर्जी कर दे, लेकिन लीगली वो परमिसिबल नहीं है। हमारा जो टैक्स जिस हेड में गया था उसी हेड में अगर एडजस्टमेंट पॉसिबल है तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, और अगर वो पॉसिबल एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो आई हैव टू गो फॉर द रिफंड। चलो, अच्छा सर, टाइम कम बचा है, मैं जल्द आईटीसी कवर कर लेते हैं। उसी केस में जीएसटी या 9 में एक्चुअल फिगर चली जाएंगी, जो मैंने एक्सेस टैक्स पे किया उसका रिफंड चला जाएगा, और वो मेरा एक एविडेंस भी बन गया कि मेरी एक्चुअल सप्लाई क्या है। तो बेसिकली 9 क्या है, 9 मेरे स्टार वर्ल्ड का एक्चुअल में खाका है सर। 9 में तो फिर नीचे जो सप्लाई अमेंडमेंट होती है माइनस वाली, उसमें शो नहीं करेंगे 9 में, मतलब 9 में जैसे 4 में आएगा, 4 में तो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट करता है हमारा। नहीं देखो, ऑटो पॉपुलेट करता है वो सिर्फ ऑटो पॉपुलेट रेफरेंस के लिए कर रहा है। नहीं, एडिट में उसको कर सकता हूँ, लेकिन जैसे एक्चुअल में तो मैंने अमेंडमेंट करी ना उसे, अपना जो सप्लाई उसको कम करा मैंने, कम करा है। देखो क्या है कि तो, अगर मैंने कम कर दी, बात सुनो, टेबल 10 मान लो कि इन्होंने 5 लाख की जगह 5 करोड़ दिखा दी, यही किया इन्होंने, तो मैं क्या करूंगा, 4 के अंदर मैंने जितना एडजस्टमेंट करा ऊपर, वो 4 का एडजस्टमेंट नीचे दिखा दूंगा, लेकिन पूरे सर्वर में मान लीजिए एडजस्टमेंट ही नहीं हो पाया मेरे 5 करोड़ का, जो मैंने एडजस्टमेंट किया उसके बाद मेरी 2 करोड़ की सप्लाई फिर भी एक्सेस रह गई। तो क्वेश्चन ये है कि मैं जीएसटी 9 के अंदर एक्चुअल सप्लाई दिखाऊंगा कि एक्सेस सप्लाई दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जीएसटी 9 के अंदर जो मेरी एक्चुअल सप्लाई है, जो मेरी हुई है एक्चुअल सप्लाई, मैं वही दिखाऊंगा ताकि बैलेंस विल बिकम द रिफंड। मेरा जो बेसिक पॉइंट था, क्योंकि जो 9 में है वो जो मेरा एक्सेस गया वो उठा लेगा टेबल 4 में। भाई मैं वही कह रहा हूँ, उठा लेगा। बात सुनो, पहली बात तो एक तो हमें ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी, जो टेबल फिगर उठा रहा है उस बेसिस पे भरेंगे तो हमें इतने सारे डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। वो जो फिगर्स हम भर रहे हैं वो हम 3B के बेसिस पर भी आपको सी, क्योंकि वो तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, 1 के अलावा कहीं फिगर ही नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले मैं वो रिकंसिलेशन बनाने हैं, वो फिगर जो मर्जी उठा रहा हूँ, मेरे को ये देखना है कि सही फिगर क्या है। सही फिगर होने के बाद में अगर मैंने उसका बाद में अमेंडमेंट किया है तो नीचे जो टेबल 4 के नीचे अमेंडमेंट है उसमें आ जाएगा, और अमेंडमेंट भी पॉसिबल नहीं था तो मैं जो सही फिगर है वो मैं ले लूंगा टेबल 4 के अंदर। अब सर 9 में ना 2 अमेंडमेंट के ऑप्शन है, एक तो टेबल 4 में आता है, एक टेबल 10 में आता है। 4 में तो आता है कि मैंने 17-18 में ही अमेंडमेंट कर दिया, प्लस माइनस तो उसमें मैं रिपोर्ट करूंगा, और 10 में आता है कि मैंने अप्रैल 18 से लेके सितंबर 18 तक 17-18 के ट्रांजैक्शंस। हाँ, 17-18 की है। अगर जैसे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था क्रेडिट रिपोर्ट, मैंने 17-18 का अक्टूबर या अगस्त में रेस किया, वो मेरा टेबल 11 में नहीं आएगा। सही, मैं 17-18 का टेबल 11 में वो चीजें आएंगी जो मैंने 17-18 में ही रेस कर दी थी, लेकिन मैंने 17-18 के रिटर्न में शो नहीं किया। नहीं, इनकेस मान लो सितंबर 18 में ठीक कर देते हैं, ठीक है सर, तो टेबल 11 में आ जाएगा, और इनके 17-18 में ही कर देते हैं उसको, तो टेबल 4 के नीचे आ जाएगा, यानी कि शो करना पड़ेगा ना मुझे। अगर मैंने अमेंडमेंट किया, अगर सितंबर 18 के ऊपर जाता हूँ तो मैं नेट कर दूंगा, नेट कर देंगे, यस दैट्स द करेक्ट पॉइंट। बट मेरे को ये ध्यान रखना है कि मैं 17-18 के अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूँ।
मतलब 17-18 की इनवॉइस का करेक्शन है या 17-18 के ही डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये था हमारा आउटवर्ड सप्लाई के लिए। तो पहला चीज क्रक्स क्या निकला आउटवर्ड सप्लाई के लिए, मेरे पास चार टेबल हैं, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 10 एंड टेबल 11। मेरे को सबसे पहले क्या इंश्योर कर लेना है कि मेरा सीवी में जितनी सप्लाई थी मैं इन सारे टेबल्स में दिखा पाऊं। अगर टेबल 3 जो जीएसटीआर 3बी में मेरी सप्लाई कम या ज्यादा है तो देन आई हैव टू टेक ए कॉल कि मेरे को क्या दिखाना है। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने एक पॉइंट रेस किया, मैंने 5 लाख की जगह पर 5 करोड़ दिखा दिया, जनरली क्या हुआ लोगों ने टैक्स उसका पे नहीं किया, तो मैं 5 लाख ही जीएसटीआर 9 के अंदर दिखाऊंगा, 5 करोड़ नहीं दिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने रेस किया कि मैंने उसको फर्दर अमेंड कर दिया, अगर मैंने अमेंडमेंट 5 करोड़ का अमेंडमेंट जो 17-18 का 17-18 में ही कर दिया तो टेबल 4 के अंदर अमेंडमेंट का ऑप्शन अलग है, वो मैं दिखा दूंगा। और अगर मैंने 17-18 के 5 करोड़ का अमेंडमेंट 18-19 में किया है तो मैं टेबल नंबर 11 में दिखा दूंगा। तो पॉइंट ये है कि टोटल सप्लाई को आउटवर्ड सप्लाई को मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। पहला आउटवर्ड सप्लाई जो मैंने 17-18 की थी 17-18 में ही डिक्लेयर कर दी, चाहे ओरिजिनल चाहे अमेंडमेंट, वो टेबल 4 और टेबल 5 में जाएगी। दूसरा पोर्शन जो 17-18 की आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड टैक्स था जो मैंने अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 के बीच में अपने रिटर्न्स में डिक्लेयर किया, वो टेबल 10 में अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेबल 10 में, डिक्रीज हो रहा है तो टेबल 11 में। तीसरा पोर्शन जो मैंने जीएसटीआर 3बी में शो नहीं किया, उसके लिए दो अप्रोच पॉसिबल है। पहला मैं जीएसटीआर 9 के अंदर ही टेबल 9 के अंदर उसको इंक्रीज करूं और टेबल 4 में इंक्रीज कर दूं। दूसरी अप्रोच पॉसिबल है क्योंकि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर सही बनाई है उसको मैं 9C में रिकंसिलेशन के थ्रू ले जाऊं, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में मेरे को DRC 03 के थ्रू पे करना पड़ेगा थ्रू कैश। यहां तक चीज स्टूडेंट क्लियर है? यहां पर भी प्रैक्टिकली एक चीज और पॉसिबल है, लेकिन वी हैव टू यूज दैट वेरी कॉशियसली। अगेन 3बी के अंदर जो मैंने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, आउटपुट टैक्स पे किया है, उसमें भी कोई डिटेल नहीं गई। आई एम जस्ट गिविंग कि जो मेरा टैक्स की लायबिलिटी है, क्योंकि 18-19 के लिए तो मेरे पास 17-19 तक का टाइम है, तो मेरे पास अगर ITC पड़ा है तो एक तो गवर्नमेंट जबरदस्ती ITC ना कह के कह रही कैश पे करो, बट 3बी तो मेरे पास खुली किताब है, बट मेरे को रिकंसिलेशन प्रॉपर बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज वो डबल धाक तलवार है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आज की रेट में प्रैक्टिकली बोलूं तो मेरे को DRC 03 यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ी है। अगर मैंने पहले रिकंसिलेशन बना लिए हैं, मैंने ITC यूज नहीं किया, मैंने आउटवर्ड टैक्स पे नहीं किया, अगर मैं प्रॉपर रिकंसिलेशन बना के करता हूं तो 3बी जो मैंने फाइल की है अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 तक, दैट आई कैन यूज। अब वो कैसे करना है उन सब में हम कर सकते हैं उस चीज को। कमिंग टू द ITC, अब देखिए आउटवर्ड सप्लाई में तो झगड़ा था कि 1 से लूं, 3बी से लूं या बुक्स ऑफ अकाउंट से लूं। यहां पर ITC के अंदर गवर्नमेंट ने झगड़ा खत्म कर दिया, मेरा टेबल 4 से ऑटो पॉपुलेट होके फिगर आ जा रही है। तो यहां पर भी मेरी ITC की कौन कौन सी टेबल हो गई, टेबल 6, 7, 8 तीन टेबल्स हैं प्लस टेबल नंबर 12 एंड 13, तो उसको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो फिगर ऑटो पॉपुलेट होके आएगी वो मेरी टेबल 4 है और 3बी से आ जाएगी। 3बी से मैंने जो 17-18 का 17-18 में ही क्लेम किया हुआ है वो वाला आ गया, यानी कि ITC का वो पोर्शन आया है जो मैंने 17-18 का 17-18 में लिया है टेबल 6 में। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, अगर मैंने 17-18 का 18-19 में क्लेम किया तो वो वहां भी नहीं आया टेबल 6 में। दूसरा, जब मैं ITC की बात कर रहा हूं तो अगेन मैं कह रहा हूं कि ITC को मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। पहला, तीन पार्ट में नहीं 4 पार्ट में बेसिकली, पहला जो मैंने 17-18 का 17-18 में ही क्लेम कर लिया है वो मेरा टेबल 4A के थ्रू रिकंसिलेशन मेरे को क्या देनी इन्फॉर्मेशन उसके बाद में आते हैं, लेकिन वो टेबल 4A जो मेरा टेबल 6 के अंदर आएगी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाएगी। दूसरा, मैंने जो ITC क्लेम किया है अप्रैल 18 से लेके सितंबर 18 के बीच में फॉर 17-18। तीसरा, जो मैंने अक्टूबर 18 से लेके मार्च 19 तक क्लेम किया है, देखिए जो दो मैंने लास्ट कैटेगरी बोली, यानी कि जो अप्रैल 18 से लेके सितंबर 18 तक का ITC, अक्टूबर 18 से लेके मार्च 19 तक का ITC, दोनों ही मैं टेबल नंबर 12 में क्लेम करूंगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मेरे को ITC लेने के लिए सेक्शन 16 के अंदर कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि सामने वाले वेंडर ने टैक्स पे किया हो, मेरे को गुड सर्विसेज फाइल मिल गई हो, रिटर्न्स फाइल हुए हो, कहीं पर भी कंडीशन नहीं है कि 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा हो। लेकिन 16(4) के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के थ्रू,
जिसमें कि मैं अक्टूबर 18 से लेके मार्च 19 तक के बीच में भी आईटीसी क्लेम कर सकता हूं, उसकी कंडीशन ये है कि सामने वाले ने जीएसटीआर 1 फाइल किया हुआ हो। दैट इज अ पॉइंट कि अगर मैंने सितंबर 18 तक अगर आईटीसी कोई क्लेम किया है तो उसको क्लेम करने की कंडीशन 2 में रिफ्लेक्ट होना नहीं है। देखिए वो वन ऑफ द इंडिकेशन है लेकिन कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है कि वेंडर ने टैक्स पेमेंट किया हो, लेकिन अगर कोई आईटीसी मैंने 17-18 का अक्टूबर 18 से लेके मार्च 19 के बीच में क्लेम किया है, उसकी लॉ के अंदर कंडीशन है कि वो वेंडर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया हुआ हो। तो एज एन ऑडिटर मेरे को इसको बाइफरकेट करके देखना पड़ेगा कि जो मैंने आईटीसी अक्टूबर 18 से लेके मार्च 19 के सीवी में क्लेम किया है फॉर द पर्पज ऑफ 17-18 वो 2A में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो 2A में नहीं आ रहा है तो लीगली दैट इज डिसअलाउड। लेकिन जो मेरा सितंबर 18 तक का आईटीसी है उसके लिए कैन बी डिफरेंट बेसिस, मेरे 2A में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो अलग, वी विल डिस्कस फॉर दैट, वो हम फाइट कर सकते हैं उसके। लेकिन अक्टूबर 18 से मार्च 19 के बीच में वी कैन नॉट फाइट फॉर दैट पर्पस। वेंडर ने जीएसटीआर 1 भर दिए है और सीवी नहीं भरे हैं तब भी मिल जाएगा? कौन सा जीएसटीआर 1 भर दिए है अक्टूबर से मार्च तक के लिए? उसमें देखिए कंडीशन क्या है, दो कंडीशन सेक्शन 16 की बेसिक कंडीशन तो है कि वेंडर ने टैक्स पे किया हुआ, दूसरी कंडीशन है कि उसने जीएसटीआर 1 फाइल किया हुआ। अब मैं आपके लिए आता हूं कि उसने टैक्स पे करना है उसको, उसने अगर 1 में 2 फाइल कर दिया है 2A में आ रहा है तो प्राइमा फेसी कंडीशन हो गई, उसने मान लीजिए तब पे नहीं किया आज पे कर दिया तो इट विल बी अलाउड। बेसिकली कंडीशन क्या है कि टैक्स पे होना चाहिए, अगर टैक्स पे नहीं हुआ अल्टीमेटली तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 2A में नहीं आ रहा है तो आपको प्राइमा फेसी कुछ और जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो टैक्स पेमेंट वाली कंडीशन है वो तो ऑलरेडी है, वो तो पूरे ही साल भर थी और आज भी है। मतलब मैंने क्या कहा कि देखिए बेसिकली अक्टूबर से पहले वाले में आपको 2A के वरी करने की जरूरत नहीं है, अगर वेंडर आपको पता है कि पेमेंट कर दिया है, आपका B2C में दिखा दिया, आपका GST नंबर कर डाल दिया या वेंडर बाद में पे कर देगा तो यू कैन फाइट फॉर दैट पर्पस। लेकिन अक्टूबर के बाद पहली कंडीशन आपको देखना है 2A में आ रहा है कि नहीं आ रहा अक्टूबर 18 से लेकर मार्च 19 तक, देन बाकी कंडीशन ऑलरेडी है कि आपको गुड्स या सर्विसेज मिल गई हो, आपके वेंडर ने टैक्स पेमेंट कर दिया हो, वो कंडीशन ऑलरेडी है, उसके साथ ये एडिशनल कंडीशन वो बाद में रिवर्सल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि 2A का इंपॉर्टेंस बाकी के लिए है या नहीं है, लेकिन अक्टूबर बाद के बाद वाले के पहली कंडीशन ये कि 2A में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाकी की जो चार कंडीशन है वो तो फुलफिल करनी ही करनी है। तो जब हम यहाँ रिकंसिलेशन की बात कर रहे हैं तो मेरा पहले टेबल 6A के अंदर जो मेरा GST 9 6A है 3B से फिगर उठ के आ जाएंगे। 3B के कौन से टेबल से फिगर उठ के आएंगी? टेबल 4A से जो हमने टोटल आईटीसी क्लेम किया है, ये मेरा 3B के उठ के आएंगे 17-18 से। अब देखिए एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो मेरा आईटीसी का लेने का सोर्स है वो क्या है। मेरा जो टोटल आईटीसी है मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होता है, जो मेरा एक सर्कुलर में भी कहीं था कि जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट अवेल होता है दैट मीन्स दैट इज क्रेडिटेड इनटू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो मेरा क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो रहा है उसके सोर्स क्या क्या है? GSTR 3B, TRAN 1, TRAN 2, ITC 01, ITC 02। तो पहला टेबल 6A के अंदर जो रिकंसिलेशन है वो सिर्फ 3B का रिकंसिलेशन है। 3B के रिकंसिलेशन के अंदर मेरे को उसके अंदर डेल दे, मान लीजिए कि पूरे साल भर में मैंने 5 करोड़ का ITC क्लेम किया 3B के अंदर। जो मैंने 3B के अंदर ITC क्लेम किया है जो टेबल 4A से उठ के मेरे पास आया है उसका मैं रिकंसिलेशन करूंगा कि कितना मेरा रजिस्टर्ड वेंडर पार्टी की इनवॉइसेस आई, कितना मैंने रिवर्स चार्ज में अनरजिस्टर्ड वेंडर्स के अगेंस्ट क्रेडिट लिया, कितना मैंने रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड वेंडर के अगेंस्ट क्रेडिट लिया, इन तीनों का मैं इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स के बीच में बाइफर्केशन भी करूंगा, जो कि आज के में चैलेंज बनेगा क्योंकि मैंने अकाउंटिंग उस हिसाब से करी हो ना करी हो मेरे को यहां पर ही बाइफर्केशन इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स के बीच में देना पड़ेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अगेंस्ट मैंने कितना इनपुट टैक्स रेट क्लेम किया वो गुड्स ही हो जाएंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्योंकि सर्विसेज ही होंगी वो सेपरेटली आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है 6H, 6H के अंदर क्या है, आईटीसी आपने रिक्लेम किया हो तो आपको यह सेपरेटली शो करना है, दैट मींस आपने 180 दिन वाली कंडीशन है या कोई ऐसा आईटीसी जो आपने पहले क्लेम किया हो वापस किया हो फिर से क्लेम कर कारमेंट के ऊपर, पहले आपने हो सकता है लिया हो फिर वापस किया हो फिर लिया हो, तो आपको 6H के अंदर सेपरेटली शो करना है। ये मेरा नेट आईटीसी आ जाएगा जो मैंने को 3B के साथ मैपिंग देनी है। अब यहां पर चैलेंज क्या आएगा
पहला चैलेंज आएगा कि मेरे पास पैसे नहीं थे मार्च 18 में, मैंने ITC 2 लाख की जगह 20 लाख दे दिया था, हुआ है, बहुत हुआ है प्रैक्टिकली। तो मेरे को अब 3B मैंने जितना क्लेम किया है मेरे को एक्टिविटी वाइज बायफर्केट करके देना है कि मेरा इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड वेंडर से कितनी है, रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट मैंने कितना क्लेम किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट कितना क्लेम किया है। 3B में अगर मैंने 5 करोड़ का दिया है और मैंने ये रिटेल 4.70 करोड़ की दी है तो मेरा GSTR 9 के अंदर जो ITC कैरी फॉरवर्ड होगा जो बेनिफिट मिलेगा वो 4.70 करोड़ का मिलेगा। तो पहली एक्सरसाइज मेरी क्या हो गई कि मैंने जो 3B के अंदर जो टोटल ITC अपना क्लेम किया है टेबल 4A के अंदर फ्रॉम जुलाई 17 टू मार्च 18 उसका मेरे को बायफिकेशन जो मैंने बताया कि मैंने रजिस्टर्ड वेंडर से अनरजिस्टर्ड वेंडर से इनपुट सर्विसेज से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का इंपोर्ट ऑफ गुड्स का बायफिकेशन किया है वो मेरा टोटल ITC अवेलेबल आ जाएगा एज पर 3B। अगर मेरा 3B से मैच करता है देन इट्स फाइन, अगर वो 3B से कम है कल की डेट में स्पुटनी का पार्ट बनेगा वो अलग है, प्लस मेरे को जितना मैं डिटेल दूंगा उतने का ही मैं क्लेम कर सकता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन आएगा इस ITC की डिटेल के बाद में ITC रिवर्सल्स, उससे भी पहले अदर ITCs, प्लान 1 के थ्रू कितना ITC मैंने क्लेम किया है, प्लान 2 के थ्रू मैंने ITC कितना क्लेम किया है, अदर ITC मतलब ITC 01, 02 के थ्रू मैंने जितने भी ITC क्लेम किए हैं इन सबको जोड़ दूंगा दैट विल बी टोटल ITC अवेलेबल। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो ज्यादा चैलेंज हो जाएगा कि रूल 37, रूल 39, रूल 42, 43 के अंदर जो रिवर्सल्स हैं वो मेरे को यहाँ शो करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा अगर मैंने GSTR 3B के अंदर रिवर्सल नहीं किया रूल 42, 43 का क्या मैं यहाँ करूंगा? Yes. अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल जो लिया था आटा चक्की का या आटा फैक्ट्री का उसने रिवर्सल नहीं किया था, आज की डेट में आपने देखा कि रिवर्सल करना है कि नहीं करना, वी कैन डू इट, 9C के थ्रू भी कर सकते हैं, हम यहां पर भी शो कर सकते हैं। दूसरा यहां पर रूल 42 43 बहुत कॉशियसली यूज हमें करना है क्योंकि जब आउटवर्ड सप्लाई के आप देखेंगे जो क्लॉजेस हैं उसके अंदर सारी सप्लाईज आई हुई हैं, इवन नो सप्लाई भी आई है उसका पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए सर चलेगा बिना माइक के बिना चलेगा सर चलेगा माइक वैसे भी चल रहा है। तो मान लीजिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है, मान लीजिए एक अभिषेक जी हैं और एक मैं हूं, अभिषेक जी सारा इन्वेस्टमेंट अपना FD में करते हैं, FD के ऊपर हमने इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो हमने एग्जाम सप्लाई में टेबल 5 में दिखाई है, साथ के साथ इनकी टैक्सेबल सप्लाई है। मान लीजिए कि मैं सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और सिक्योरिटीज से मेरे को इनकम आ रही है परचेज से ट्रेडिंग से, तो पहली बात है जो सिक्योरिटी से जो इनकम आ रही है वो क्या टैक्सेबल सप्लाई है? क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी इज नॉट द गुड्स भी नहीं है ना सर्विसेज सप्लाई नहीं हुई तो वो मेरा, लेकिन मेरे को नो सप्लाई भी टेबल 5 में दिखानी है वो भी मेरी आ रही है, ना तो अभिषेक जी ने रूल 42 अप्लाई किया है और ना ही मैंने रूल 42 अप्लाई किया है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि दोनों ही गलत हैं या वो गलत हैं या मैंने गलत ट्रीटमेंट किया। रूल 42 43 मैं कब अप्लाई करता हूं? बेसिकली व्हाट इज द प्रिंसिपल, मेरे पास जो इनपुट टैक्स राइट अवेलेबल है मैं उसकी मैपिंग करता हूं कि वो डायरेक्टली टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई के लिए है तो पूरा अवेलेबल हो जाएगा, अगर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए है तो कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, अगर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉमन क्रेडिट है जो कि टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई दोनों के लिए है तो मेरे को रूल 42 43 लगाना पड़ेगा, रूल 42 फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, रूल 43 फॉर द कैपिटल गुड्स। अब मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं, सर की टेबल 5 में एफडी की इंटरेस्ट इनकम है, इन्होंने रूल 42 अप्लाई नहीं किया, क्या इन्होंने सही किया कि गलत किया? सही किया। क्यों? इंटरेस्ट तो हमारी एग्जम्प्टेड इनकम है तो मैं रूल 42 नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल सर, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्या मेरी इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं है? सर एग्जम्प्टेड का प्रोसेस लिख दिया था हमने कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। वेलकम विमल जी। सर देखिए स्टार कितना वेलकम हुआ आपको, बस मैं 5 मिनट और लूंगा देन विल हैव द बेनिफिट ऑफ विमल जी। तो बेसिकली मैं जब एग्जम्प्टेड सप्लाई की रिवर्सल के लिए डेफिनेशन देख रहा हूं तो देयर इज वन इक्वेशन, एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 प्लस सेक्शन 17 सबसेक्शन 3
माइनस एक्सप्लेनेशन टू रूल 43। तो जो मेरी इंटरेस्ट इनकम है एफडी के ऊपर वो मेरे को रिवर्सल के पर्पज से कैलकुलेट नहीं करनी, लेकिन जो सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन है वो मेरा 17G के हिसाब से इंक्लूड होगा, तो मेरे को वहां पर रूल 42-43 की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर मैंने पूरे साल भर रूल 42-43 अप्लाई नहीं किया तो पहली बात है 9C में कैसे करना है कैसे नहीं करना विल सी नेक्स्ट सेशन, बट 9 के अंदर वी विल हैव द ऑप्शन कि हम रूल 42-43 का वो रिवर्सल कर दें, और वो रिवर्सल करेंगे तो मेरी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बैठेगी विच आई विल पेइंग टू DRC03। तो ITC का ये रिकंसिलेशन मेरा 17-18 के लिए हुआ था। अगर मैंने 17-18 का कुछ भी ITC 18-19 में क्लेम किया है तो दैट विल बी गोइंग इनटू माय टेबल 12 एंड टेबल 13। इसके बाद में मेरे दो इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन यहां पर आ रहे हैं, रिकंसिलेशन 2A ऑफ माय ITC एंड रिकंसिलेशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। तो जो 2A के साथ रिकंसिलेशन आ रहा है दैट इज इंफॉर्मेटिव है। मान लीजिए कि मेरा 2A के अंदर टोटल क्रेडिट आ रहा है 50 लाख रुपए का, तीन पोजीशन पॉसिबल है। पहला मेरा 50 लाख का टूए में आ रहा है, मेरा भी टूए में 50 लाख है, बहुत आइडियल पोजीशन है मेरे ख्याल से, लकी पर्सन प्लस माइनस करके। लेकिन मान लीजिए कि टूए में 50 लाख आ रहा है, देयर कैन बी टू पोजीशन, टूए में 50 लाख आ रहा है, मैंने 40 लाख रुपए क्लेम किया है, एक पोजीशन ये हो सकती है। एक पोजीशन ये हो सकती है कि टूए में 50 लाख आ रहा है और मैंने 60 लाख रुपए क्लेम किया। तो एज एन ऑडिटर सबसे पहले ये बताइए कि पोजीशन खराब कौन सी है। अभी हम क्रेडिट की तो बाद में बात करें, कौन सा जहाँ पे 50 लाख आ रहा है, जहाँ 40 लाख मैंने क्लेम किया है, या जहाँ पे टूए में कम आ रहा है, वो टूए में कम आ रहा है, खतरनाक पोजीशन कौन सी सर एज एन ऑडिटर। सर क्योंकि अगर ज्यादा आ रहा है तो दैट कैन बी वन ऑफ द कंडीशन कि मैंने अपनी बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस भी पूरे बुक नहीं किए, तो वी हैव टू एनालाइज और उसका रिकंसिलेशन 2A के साथ होके दैट विल बी गिविंग कि मेरा एक्स्ट्रा क्रेडिट कितना है, वो अगेन हमें सेक्शन 16 की कंडीशंस के हिसाब से वी हैव टू सी कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अक्टूबर 18 से मार्च 19 के लिए वी हैव टू टेक केयर। दूसरा रिकंसिलेशन है मैं जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स करता हूँ उसका रिकंसिलेशन कि मैंने जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स किए हैं उसका ITC कितना है और मैंने 3B में कितना क्लेम किया है। अगर मान लीजिए इंपोर्ट गुड्स मैंने किए जिसके ऊपर ITC है 50 करोड़ का, लेकिन 3B में मैंने दिखाया है सिर्फ 10 करोड़ का, तो जो 40 करोड़ का सामान है वो मेरे ही क्लाइंट का उम्र है मार्केट में, तो आई हैव टू टेक केयर कि मेरी बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आएगा या मैं 9C के अंदर उसको क्या दिखाऊंगा। तो ये दोनों रिकंसिलेशन ये है कहीं ना कहीं आपकी पोजिशन को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने ITC कितना क्लेम किया है और अदरवाइज कितना अवेलेबल होना चाहिए था इन 2A एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये ITC का रिकंसिलेशन के बाद में जो मेरी नेट टैक्स बैठेगा वो टेबल 9 के अंदर पे होगा, या टेबल जो मेरी बाद में 10 11 12 के बाद में टेबल है उसके बाद में जो मैंने 17 18 का 18 19 में डिक्लेयर किया है उसके टैक्स वहां पर पे हो जाएंगे। वन थिंग वी हैव डिस्कस कि अगर मेरा टैक्स एक्स्ट्रा बैठता है तो आइदर आई कैन गो थ्रू टैक्स पेबल इन GSTR 9, और GSTR 9C के अंदर जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ रिकंसाइल करूंगा तो डिफरेंस वी कैन डिक्लेयर देयर। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डिस्कस HSN कोड्स। दो चीजें हमें डिक्लेयर करनी है, आउटवर्ड सप्लाई की HSN कोड, उसमें मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आएगा क्योंकि HSN कोड आउटवर्ड सप्लाई के लिए मेरे 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक 5 करोड़ के ऊपर हम अपनी इनवॉइसेस में भी दिखा रहे हैं। चैलेंज आएगा इनवर्ड सप्लाई के ऊपर HSN कोड। पहला चैलेंज आएगा क्या मेरे पास वो HSN कोड अवेलेबल है कि नहीं है। अब उन्होंने कह दिया कि 10% सप्लाई का लेना है, लेकिन 10% सप्लाई को लेने के लिए भी तो मेरे को HSN कोड कंपाइल करूंगा तभी तो पता चलेगा 10%। उससे भी ज्यादा बड़ा इशू आएगा कि फॉर्म 3CD में हमने लिख रखा है कि रिकॉर्ड्स स्टॉक रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल, और हम यहाँ पर HSN के रूप से डिटेल देंगे, चलिए उसको भी मैनेज कर लेंगे। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, एंड विमल जी हैज ऑल्सो रेज दोस पॉइंट, कि HSN कोड में मैंने जो इनवॉइस रेज करी जब तो मैंने HSN कोड देखा नहीं, आज के डेट में जब मैंने इनकमिंग इनवॉइसेस के HSN कोड कंपाइल किए तो वो थे 12% के, और मैंने ITC लिया हुआ 18% का। अब इसका होगा क्या वो अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन आई थिंक दैट विल बी डेंजरस पोजीशन कि आपकी इनवॉइस के ऊपर आपने क्लेम किया हुआ 18%, लेकिन जो आपने HSN कंपाइल किए उसके हिसाब से रेट इज 12%। देयर कैन बी टू व्यूज कि वो ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा या क्या होगा। मेरे जो ओपिनियन है मेरे हिसाब से तो जो चीज टैक्स है ही नहीं उसका क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए। विमल जी कैन गिव मोर लाइट ऑन टू दैट, बट दैट विल बिकम द चैलेंज कि मैंने जो टैक्स इनवॉइस ली है उसका जो HSN कोड लिख रहा हूँ, HSN कोड से इज वेरी क्लियर कि रेट मेरे को 12% का मिलना चाहिए, लेकिन ITC जो कंपाइल किया है वो मैंने 18% किया हुआ है, तो
that will become another challenge when I am compiling the GST or 9. But that we have to take care. So, iske hisab se what we have compiled, outward supply, inward supply, my input tax, and then after that HSN compilation. यहाँ से मेरा जो turnover उठ के जाएगा that will go into GST or 9C और वहाँ पर मेरे को reconciliation करना है. यहाँ से जो मेरा turnover उठ के जाएगा that we have to keep in mind. मैंने टेबल 4 के अंदर जो कंपाइलेशन किया है उसके अंदर मेरा आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड से सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है एंड एडवांसेस है. इसमें से मैं इनवर्ड सप्लाई सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज हटा देता हूं एंड दैट गोज टू टेबल 9C. तो यानी कि जो 9C में मेरा रिकंसिलेशन के लिए टर्नओवर जा रहा है वो आउटवर्ड सप्लाई सब्जेक्ट टू टैक्स, आउटवर्ड सप्लाई नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स प्लस एडवांसेस जा रहा है. अगर एडवांसेस मेरे खड़े हैं तो वो मेरे टर्नओवर का 9C का एक रिकंसिलेशन का पार्ट बनेगा ही बनेगा. एंड आफ्टर दैट 9C एक्सरसाइज विल स्टार्ट. सो दैट वाज अ ब्रीफ डिस्कशन फॉर द 9 एंड इश्यूज कमिंग आउट ऑफ दैट. नाउ विमल जी विल टेक केयर फॉर 9C एंड फर्दर इश्यूज. आई विल एंड माय डेफिनेशन हियर. थैंक यू.